ये रही यप्पी और ये रही मैगी और यो रहे जी दो चाय दो कप और यो रहा जी समय 3 बज रहे हो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, इवनिंग नहीं एक्चुअली नाइट के 9 o'clock हो रहे हैं और आज है सैटरडे। तो पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज हम लोग पूरे रेस्ट जोन में थे, आज कुछ नहीं किया सुबह से। और अभी हो रहा है 9 o'clock, अचानक से प्लान हुआ बाहर डिनर करने का, तो बस हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर करने, देखते हैं कहाँ जाते हैं। कुछ लाइट ही खाने का मन है, तो विल सी क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। और मैं मतलब पीके जी और विराज नीचे हैं, मैं भी एक्चुअली नीचे चली गई थी बट मेरा फ़ोन छूट गया था, तो मैं दोबारा से ऊपर आई हूँ और अपना फ़ोन लेके अब जा रही हूँ नीचे। वो लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी में और यस बस व्लॉग की शुरुआत हुई तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ ले चलूँ। सो स्टे ट्यून्ड। खाना मूड ही खराब हो गया, हमने चीजें तो इतनी सारी ली लेकिन स्वाद एक में भी नहीं आया। अब स्वाद बनाने के लिए ये चल रहा है, मैगी बनवाई है और चाय भी। और टाइम हो रहा है 3 क्योंकि बहुत देर तक तो सोचा छोड़ो सो जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। फिर विराज भी सो गया, उसके बाद भी मतलब ऐसा मन कर रहा था कुछ खा लें, तो फाइनली 3 बजे अब खा रहे हैं। और इस टाइम इसलिए खा रहे हैं कि चलो ये सुकून है कि कल संडे आराम से सो के उठेंगे और कल वंदना भी नहीं आएगी, वो भी छुट्टी पे है, तो मैं भी आराम से उठूंगी। थोड़ा देखती हूँ, जिस दिन सोचो उस दिन वैसे हो नहीं पाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अब हो गया नेक्स्ट डे और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है 11:15 और रात 3 बजे पीके जी ने ऐसी मैगी खिलाई कि फिर नींद ही उड़ गई और हम सोए 5:15 बजे जाके। और 5 बजे बस यही डर था कि जिस दिन सोच के सो ना कि देर तक सोएंगे, कम से कम 11 बजे तक, 10-11 बजे तक, उस दिन बिल्कुल नहीं सो पाते। आज विराज भाई साहब 9 ही बजे उठ गए थे और 9 बजे से पिन 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 करके इन्होंने सोने ही नहीं दिया। 10 बजे तक किसी तरह मैनेज किया, मैं लेटी रही, मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो खैर अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, यहाँ पर चल रहे हैं आलू के पराठे, ये सब्जी, ये मक्खन, इधर है हमारी चाय। और अभी टाइम हो रहा है 11:15। ये है विराज, इन्हें सुबह सुबह मोबाइल चाहिए, तो सब ऐसी आधी पौनी नींद में। तो मैंने मंगाया ये एक स्टैंड, ये है प्लास्टिक का और इसमें नीचे ये रोटेट करने वाला लगा हुआ है, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो मेरे पास ये जो पुराना स्टैंड था इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी, एक तो ये जालीदार है तो मेरे पास जो इस टाइप की शीशियाँ थी वो ऐसे गिरती रहती थी, और दूसरी चीज़ मुझे इसको ऐसे लंबा रखना पड़ रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से पीछे वाली चीज़ें मैं ईजिली एक्सेस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा है रोटेटिंग वाली ट्रे लगाने का, तो मैं इन सारी शीशियों को इसमें अरेंज करूंगी।
भी जस्ट सो के उठी हूँ, बस वो सब क्लीन करके किचन का वो सब ऑर्गेनाइजेशन करके मैंने शावर लिया और शावर लेके मैं सो गई। और नींद नींद में इतनी ठंड सी लग रही थी, अभी भी वो रात वाली नींद तो पूरी नहीं हुई है, बट यस स्टिल दिस पावर नैप हेल्प्ड मी, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैंने अभी बाहर देखा, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है, सब कुछ एकदम देखो आसमान कैसे रेड येलो मिक्स हो रखा है, बहुत ही भयंकर आंधी चल रही है और बहुत हवा चल रही है, लेकिन स्विमिंग करने वाले बच्चे और बड़े किसी को नहीं रोक सकते, अब सब अपना स्विमिंग में मगन है। एंड आई एम लविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल वाला इतना सही ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं और ऊपर सारी वो चीज़ें जो मुझे बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करा और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने शावर लिया और शावर लेके मैं सो गई, तो 1-1.5 घंटे की बहुत क्लासिक वाली नींद हो गई। और यहाँ पे मेरा थोड़ा स्पेस भी बच गया कुछ रैंडम चीज़ रखने के लिए। तो टाइम हो रहा है 7 o'clock, विराज उठने वाला है, पीके जी को देखते हैं उठे कि नहीं और फिर चाय बनाते हैं।